जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको एक सत्संग सुनाऊंगी, जिससे पता चलेगा कि आपको सेवा कैसे मिलेगी। एक आंटी गुरु जी के सामने बैठकर उनसे बातें करती हैं कि गुरु जी, मैंने आपकी कभी सेवा नहीं करी, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो एक अंकल जी का उन आंटी जी को कॉल आता है कि आंटी जी, एक संगत जी को अपनी बुक हिंदी में ट्रांसलेट करवानी है, तो क्या आप उसको ट्रांसलेट कर दोगे? आप क्या गुरु जी की सेवा करोगे? आंटी जी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं कि अभी तो मैं गुरु जी से सेवा के बारे में बात कर रही थी और मुझे इतनी जल्दी सेवा मिल गई। आंटी जी सोचती हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कैसे करूँगी। लेकिन तब भी संगत जी अंकल जी को बोलती हैं कि आप मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो अंकल जी उन आंटी जी का नंबर शेयर कर देते हैं और संगत जी उन आंटी जी को कॉल करके पूछती हैं कि कैसे कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आंटी जी संगत जी को बताती हैं कि मुझे इस डेट से पहले हिंदी में बुक प्रिंट करवानी है। तो संगत जी आंटी जी को हाँ बोल देती हैं कि मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और आंटी जी को कहती हैं कि आंटी जी, आप मुझे सारी डिटेल्स मेल कर दीजिए। और संगत जी बहुत खुश होती है कि उनको एक ही बार में सेवा का मौका मिल गया, क्योंकि वो उस टाइम पे गुरु जी से बात कर रही थी कि लॉकडाउन का टाइम है, मैं मंदिर में सेवा नहीं कर पाऊँगी, कैसे मिलेगी मुझे सेवा। संगत जी जब भी गुरु जी की सेवा करने बैठती थी तो उन्हें गुरु जी की प्रेजेंस फील होती थी और संगत जी को ऐसा लगता था कि पूरी बुक गुरुजी ही लिखवा रहे हैं। और संगत जी के घर पर कभी भी सत्संग नहीं हुआ था, क्योंकि संगत जी के घर वाले उस टाइम पे गुरुजी को उतना नहीं मानते थे। गुरुजी ने लॉकडाउन में सब बदल दिया, हर घर में सत्संग होने लगा। लॉकडाउन के टाइम पे मंदिर उतना नहीं खुलता था, ज़्यादातर बंद रहता था, इसलिए उस टाइम पे कहा जाता था कि छोटा सा छोटा सत्संग भी अगर अपने घर में किया जाए तो गुरुजी अपनी कृपा उस घर पर बनाए रखेंगे। संगत जी गुरुजी से रोज़ बात करती रहती थी। एक दिन उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे घर पर अपना सत्संग करा दो। पर संगत जी को गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ। पर संगत जी तब भी गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करवाना चाहती थी और विद इन 3 डेज गुरुजी ने उनके घर में अपना सत्संग भी करवा दिया। सत्संग होते ही संगत जी को कोविड हो गया और उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो मुझे कोविड करवा दिया, अब मैं ली हुई सेवा कैसे करूं? मैं बुक को कैसे कन्वर्ट करूंगी? लेकिन संगत जी को कोविड के ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, इसलिए उनको मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ी। संगत जी ने घर पर ही चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ले लेकर गुरुजी ने उनका कोविड ठीक कर दिया। संगत जी ने फिर से सेवा करनी शुरू करी, क्योंकि टाइम पास में आ रहा था और बुक कंप्लीट करके देनी थी। संगत जी ने जैसे ही बुक लिखनी शुरू करी उनको सर्वाइकल पेन शुरू हो गया। संगत जी ने फिर गुरु जी के आगे अरदास करी कि आप तो मेरी सारी विशेष पूरी करते हो। तो संगत जी ने गुरु जी से कहा कि मैं ये तो नहीं कहती कि मेरा सर्वाइकल पूरा ठीक कर दो, लेकिन मुझे इतना ठीक कर दो कि जिसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपकी सेवा सौंपी है, मैं उनकी सेवा पूरी करके दे सकूं। संगत जी फेसबुक और इंस्टाग्राम देखती रहती थी, तो जो भी हमें पहले मैसेज मिलता है वो गुरु जी का मैसेज हमारे लिए ही होता है। चाहे वो मैसेज आपको व्हाट्सएप पर आया हो, फेसबुक पर दिखा हो या फिर इंस्टाग्राम पर दिखा हो, लेकिन जो सुबह का फर्स्ट मैसेज दिखता है वो हम लोगों के लिए ही होता है। तो गुरुजी का मैसेज उनको डिस्प्ले होता है कि रात में सोने से पहले मंत्र जाप करके सोइयो। तो संगत जी बिल्कुल वैसा ही करती हैं, रात में सोने से पहले मंत्र जाप करके सो जाती हैं और नेक्स्ट डे उनका सर्वाइकल पेन ठीक हो जाता है और वो बुक लिख पाती हैं, ताकि वो टाइम से पहले बुक दे सके। संगत जी टाइम से पहले ही बुक लिख कर आंटी जी को वापस दे देती है, बुक प्रिंट हो जाती है और आंटी जी बहुत खुश होती हैं कि उन्होंने मुझे टाइम से पहले ही सारी बुक ट्रांसलेट करके दे दी। फिर वो संगत जी गुरुजी से फिर से बात करती हैं कि गुरुजी
एक सेवा तो हो गई, अब मुझे दूसरी सेवा कब दे रहे हो? उतने में ही उन्होंने जिन आंटी की बुक ट्रांसलेट की होती हैं वो दूसरी संगत को उन संगत का नंबर दे देती हैं, और उतने में उन्हीं संगत को फिर से कॉल आती है कि आंटी जी, आपने अभी एक बुक ट्रांसलेट की थी, आप मेरी भी बुक ट्रांसलेट करके दे दोगे? पर आंटी जी गुरु जी से इस बार यही बात कर रही होती हैं कि गुरु जी, दूसरी सेवा जल्दी देना, लेकिन इस बार ट्रांसलेट की मत देना, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन संगत जी ने वो सेवा भी करी, और संगत जी ने आंटी को टाइम से पहले बुक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके दे दी, ताकि उनकी बुक भी प्रिंट हो जाए। और वो गुरु जी से हमेशा अरदास करती रहती हैं कि गुरु जी, सेवा ज़रूर देते रहना। ऐसे ही संगत जी कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, और वो गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी, आपने मुझे सेवा तो दे दी, लेकिन आप मुझे अपने बड़े मंदिर कब बुला रहे हो? मैं आज तक आपके बड़े मंदिर नहीं आई हूँ। जब वो आंटी जी को सारा ट्रांसलेट करके देती हैं, तो उनसे बात करती हैं कि आप कहाँ रहते हो। बात बात में पता चलता है कि वो आंटी जी संगत जी के घर के पास ही रहती हैं। तब वो उनसे मंदिर के बारे में बोलती हैं कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर कभी नहीं गई। तो आंटी जी संगत जी से कहती हैं, चलो मैं इस दिन बड़े मंदिर जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो संगत जी बहुत खुश हो जाती हैं कि गुरु जी ने उनकी वो भी अरदास सुन ली, क्योंकि वो गुरु जी के मंदिर कभी नहीं गई और उन्हें अच्छे से रास्ता नहीं पता था। इसलिए वो आंटी जी संगत जी को गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन भी करवा के ले आती हैं, और वो गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हैं, और आंटी से बहुत खुश हो जाती हैं कि मैंने आंटी की सेवा की और आंटी ने मुझे गुरु जी से मिलवा दिया। और धीरे धीरे संगत जी के परिवार वाले भी गुरु जी से जुड़ जाते हैं, गुरु जी को मानने लग जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी हमें ऐसी सेवा देते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेवा बड़े मंदिर की ही हो, कोई भी सेवा हो सकती है, बस हमें वो सेवा करने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। कभी आपको सत्संग शेयर करने का मौका मिले तो वो भी आपको मना नहीं करना है, वो भी एक सेवा ही है। तो इसलिए हमेशा अपने सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ सुना रहे हैं या हम कैसे बोले। जैसा भी सत्संग हो आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए हमेशा गुरु जी की बढ़ियाई करनी चाहिए, हमेशा गुरु जी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।